हेलो दोस्तों, मैं एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ। तो इंटरव्यू की इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं 12वीं क्वेश्चंस की। हमने अभी तक जो है 12 क्वेश्चन को सॉल्व 11 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, जिसकी वीडियोज मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है। अब हम 12वीं क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि 12वां क्वेश्चन हमारा क्या है। राउंडिंग ऑफ द नंबर, बहुत सारे कंपनी में नंबर्स को राउंड करने के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पे नंबर में आप सोच रहे होंगे कि डेसिमल प्लेसेस को राउंड करना है। हाँ, डेसिमल प्लेसेस को भी राउंड किया जा सकता है, लेकिन उसके अलावा और भी चीज़ें हैं। ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। राउंड करने के लिए बेसिकली तीन फॉर्मूला होता है। एक होता है राउंड, डेसिमल राउंड करने के लिए राउंड, और मैंने यहाँ पे जैसे कि जीरो कर दिया तो डेसिमल हट जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास डेसिमल काफ़ी सारा है, तो आपको दो डिजिट चाहिए, तो यहाँ पे जीरो के जगह पे टू कर दीजिएगा तो टू डिजिट आएगा। नियरेस्ट जो है टू डिजिट आपको दिखेगा। दूसरा आता है राउंड डाउन। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए 36 था तो 37 हो, लेकिन जब राउंड डाउन यूज करेंगे तो जैसे हमने जीरो कर दिया तो देखिए 41 का 41 ही रहेगा। और एक होता है राउंड अप। राउंड अप हमेशा ऊपर का जो है वैल्यू देता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे जीरो कर दूँ तो यहाँ पे 42 है, अगर मैं 4101 भी करूँ फिर भी ये 42 दिखेगा। आपको इसको समझना है तो कुछ इस तरह समझिए कि आपकी इंटरनल ट्रांसफर हो रही, ट्रांजेक्शन हो रही है तो आप राउंड यूज कर सकते हो। किसी को पैसा देना है तो राउंड डाउन यूज कर सकते हो, किसी से लेना है तो राउंड अप यूज कर सकते हो। ये तो बात होगी डेसिमल्स को राउंड करने की, लेकिन हम नंबर्स को भी राउंड कर सकते हैं। जैसे आप बैंक में जाते हैं एफडी खोलने के लिए, तो 26,348 रुपये की एफडी खोलना चाहते हो, लेकिन नहीं, आप नहीं खोल सकते क्योंकि 500 रुपये का मल्टीप्लेक्स चाहिए। तो 500 रुपये का मल्टीप्लेक्स कितना होगा, उसके लिए हमारे पास सेलिंग का है। सेलिंग या सेलिंग मैथ दोनों एक ही होता है, सेलिंग, और यहाँ पे मैं सिग्निफिकेंट में 500 दे दिया तो बता दिया 26,500 हमेशा। जैसे मान लीजिए ना फोन से बात करते हैं तो आपने 42 सेकेंड बात किया फिर भी आपको 60 सेकेंड का पैसा देना हो, अगर आपने 62 सेकेंड बात किया तो आपको पैसा 120 सेकेंड का देना होगा कॉल्स के हिसाब से, चाहे 1 सेकेंड की बात करने के बाद कॉल्स एक कॉल गिन काउंट कर लेता है। तो कितने सेकेंड्स का बिल करना होगा उसको निकालने के लिए हम सेलिंग का यूज करते हैं, सेलिंग या सेलिंग मैथ का। यहाँ पे 60 का सिग्निफिकेंट करते हैं। अभी क्वेश्चन आती है कि मुझे नीचे तो हम ये तो ज्यादा ही 348 है तो 500 दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे मैं 26,000 भी बता सकता था। तो लोअर में आपको फ्लोर का फॉर्मूला होता है, फ्लोर या फ्लोर मैथ, वो हमेशा लोअर की तरफ चलता है। तो आप बोल सकते हैं कि 26,000 या 26,500 की एफडी कर सकते हैं। तो फ्लोर हमें फ्लोर डाउन के लिए और सेलिंग अप के लिए यूज किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा राउंडिंग नंबर्स को। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, किसी तरह का दिक्कत होती है तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे है, या मेरे मोबाइल ऐप पे चैट कर सकते हैं। मोबाइल ऐप पे चैट करते हैं तो आपको जल्दी रिस्पॉन्स कर पाऊँ। अगर आपके पास भी कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशंस वीडियो मुझसे चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मुझे ऐप पे या फिर व्हाट्सएप चैट पे कर सकते हैं। YouTube पे मैं प्रमोशनल वीडियो डालती हूँ, पूरी सिक्वेंसली वीडियो चाहिए तो मेरे मोबाइल ऐप पे आ सकते हैं। मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में सर्च करना है Excel MIS Training। अगर नहीं सर्च कर पा रहे हो तो नीचे मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करें और डाउनलोड कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को रिकमेंड कीजिएगा और मुझे कॉल कीजिएगा। थैंक यू।